दोस्तों, गूगल सर्च बार तो आप ये यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आप गूगल सर्च बार को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे सर्च बार का कलर चेंज करना, सर्च बार की शेप को बदल देना और उसमें शैडो लगाकर उसे कम या ज़्यादा करना, और साथ में सर्च बार की चाहे आप पूरा उसमें गूगल लिख दें या केवल जी का साइन रहने दें, ये केवल आप बस चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो के लास्ट में गूगल सर्च के रिलेटेड मैं आपको दो ऐसी मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गूगल सर्च बार का कलर चेंज करना। यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ सर्च बार पर क्लिक करें। सर्च बार पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड आप यहाँ पर जी का साइन देख रहे होंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जी के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल आइकन दिखाई देगी ऊपर की साइड में ही, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल आइकन के ऊपर जब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे की साइड सेटिंग मिल जा रही होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब आप हल्का सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे की साइड सर्च विजिट का नाम का यहाँ पर फोल्डर आपको दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कस्टमाइज विजिट पर आप क्लिक करें। कस्टमाइज विजिट पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे जो ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे जी पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे शेप चेंज हो रही है। और यहाँ पे साइड में जो पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने सर्च बार का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे की साइड सेचुरेशन है, इसको भी यहाँ से घटा बढ़ा के अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और अब इसके बाद अब यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब उसके बाद बिल्कुल राइट साइड में आप इस वाले आइकन को देख सकते हैं, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना यहाँ पर आप शैडो यहाँ से कम या ज़्यादा करके इसे यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर से दूसरी साइड पे यहाँ पे अपने सर्च बार की जो शेप है, यहाँ पे ये वाली जो आपको गोल दिखाई दे रही है, आप अपने हिसाब से यहाँ से इसको चकोर भी बना सकते हैं। चाहे अपना यहाँ पे आपको तीन तरह की यहाँ पे शेप देखने को मिलेगी, जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज करके रख लीजिएगा। अब इसके बाद सीधे यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे या तो आप इस गूगल पे क्लिक करें, गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च बार में पूरा गूगल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप केवल जी का साइन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जी पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर की साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव, यहाँ से इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको दो ट्रिक बताऊंगा, इसमें दूसरी ट्रिक जो है बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक है। जैसे कि आप गूगल सर्च बार पर जैसे आप सर्च करके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ या प्रोडक्ट यहाँ पे हमें सर्च करना है, जैसे हमने यहाँ पे स्मार्टफोन अंडर 20,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें हमें इसमें अगर मान लो हमें रियलमी का फ़ोन नहीं चाहिए और इसको छोड़ के बाकी सारे फ़ोन हमें दिखाए जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, आप यहाँ पे माइनस लिख के रियलमी लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रियलमी का फ़ोन छोड़ के आपको सारे यहाँ पे स्मार्टफोन दिखाए जाएंगे। इस तरीके से आप गूगल पे कुछ भी ऐसे ही सर्च कर सकते हो, जैसे मान लो आप कुछ भी में भी, जैसे यहाँ पे आप ये सर्च करना, जैसे मान लो यहाँ पे बेस्ट हेल्दी फ्रूट्स, यहाँ पे माइनस एप्पल कर दिया हमने, तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो एप्पल को छोड़ के यहाँ पे सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तीसरी और मज़ेदार ट्रिक क्या है इसके लिए, जैसे आप मान लो यहाँ पे अपने सर्च बार में कुछ भी यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं तो उसका हम हिंदी या उसे सही तरह से उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने विडगेट लिखा है तो बहुत से लोग इसे विजिट पढ़ते हैं, बहुत से लोग विडगेट यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इसका सही चीज़ क्या है, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों
ये गूगल हमें कुछ ऐसे यहाँ पर टिक लगानी होगी, गूगल हमें खुद ऐसे ही बता देगा कि इसका रियल नाम इसे क्या बोलते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे विजिट लिखकर और इसके आगे हम प्रोनाउंस लिख देंगे, प्रोनाउंसेशन यहाँ पे हम लिखकर यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे की साइड आपको शो वाला यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम इसको इनेबल कर लेंगे। और इनेबल करने के बाद अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे आपका नाम बता देगा, जैसे यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से आप किसी भी इंग्लिश का सही नाम जानने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही मज़ेदार जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।